हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योति नागदेव। मैं अपने चैनल ग्रीन डब्बा में एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम लोग बनाएंगे कपकेक्स मफिन्स। इसकी मैं एक बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। जो सामान आपके पास घर में अवेलेबल होता है उसी को यूज़ करके हम बनाएंगे। इसमें हम न तो बटर का यूज़ करेंगे, न मिल्क पाउडर का यूज़ करेंगे, न कंडेंस्ड मिल्क का। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कप केक्स मफिन्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। कप केक्स मफिन्स बनाने के लिए ये मैदा ले लिया है मैंने। ये 1.5 कप मैदा है। बाय वेट देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 200 ग्राम्स मैदा है। पाउडर्ड शुगर ये 1 कप लिए, बाय वेट देखेंगे तो करीब 125 ग्राम्स है। 3/4 कप मलाई ले ली है। 3/4 कप दूध ले लिया है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वनीला एसेंस और मिक्स्ड कलर की टूटी फ्रूटी। सबसे पहले ये मैदा हम लेंगे। इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर मिक्स करेंगे हम। ये 1 टीस्पून हम लेवल कर कर लेंगे। वन फोर्थ टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इन तीनों को हम छान लेंगे। अभी मिक्सिंग बाउल में हम मलाई ले लेंगे और इसमें ये पाउडर्ड शुगर डालेंगे। अब इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। इसको हम थोड़ा सा बीट कर कर स्मूथ कर लेंगे। ये हमारा स्मूथ हो गया है। अब ये मिल्क है, इसे हम थोड़ा गर्म करेंगे। बहुत तेज गर्म नहीं करना है, कुनकुना करना है, क्योंकि जब भी हम केक बनाते हैं तो एक इंग्रेडिएंट थोड़ा सा हम गर्म डालते हैं तो उसमें स्पंज अच्छा आता है, फूलता अच्छा है। ये हमारा मिल्क गर्म हो गया है। अब इसमें हम ये जो हमने मिक्सचर मैदे का, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का मिक्सचर छान कर रखा है, ये थोड़ा थोड़ा हम डालते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा हम मिल्क डालते जाएंगे और इसे हम मिक्स करते जाएंगे। आप इसके केक भी बना सकते हैं। मैं कप केक्स बना रही हूँ, मफिन्स बना रही हूँ। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए हमें कुछ भी सामान लेने के लिए मार्केट दौड़ना नहीं पड़ता है। मलाई, मैदा, ये सब हमारे घर में इजीली रह अवेलेबल होते हैं तो हम कभी भी इन्हें बनाकर खा सकते हैं। हम थोड़ा थोड़ा ये मिक्सचर डालेंगे, थोड़ा थोड़ा मिल्क डालकर इसे मिक्स करते जाएंगे। लम्स नहीं बनना चाहिए, आप एक ही डायरेक्शन में मिक्स करिए। केक और मफिन्स कई तरीके से बनाए जाते हैं। कभी उसमें हम मिल्क पाउडर यूज़ करके बना सकते हैं, कभी कंडेंस मिल्क, कभी बटर को यूज़ करते हैं, कभी ऑयल और कर्ड को यूज़ करते हैं। लेकिन जो सिंपलेस्ट मुझे लगता है वो ये वाले ही हैं जो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पूरा 3/4 कप मिल्क इसमें डल गया है। आप थोड़ी कंसिस्टेंसी इसकी देख लीजिए। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लगता है तो थोड़ा सा मिल्क आप इसमें 1-2 टेबल स्पून और डाल सकते हैं। आपको किसी एक बीटर की या बीटर से इसको बीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी करछी से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास विस्कर नहीं है तो किसी बड़े चम्मच या करछी से भी इसे कर सकते हैं। अब इसमें हम एसेंस डालेंगे। हम वनीला एसेंस डाल रहे हैं। आप चाहें तो मिक्स फ्रूट एसेंस भी डाल सकते हैं या जो फ्लेवर आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। ये करीब 3/4 टीस्पून में इसमें वनीला एसेंस डाल रही हूँ। इसे हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ये टूटी फ्रूटी डालेंगे।
ये मफिन के मोल्ड्स हैं, इसमें हम ये बटर पेपर के कप्स रख रहे हैं। अगर आपके पास ये कप्स नहीं हैं तो आप इन्हें ग्रीस कर लीजिए ऑयल से या घी से, और मैदे से डस्टिंग कर लीजिए, तो फिर आपका उसमें चिपकेगा नहीं, बनने के बाद ठंडा होने के बाद आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। आपके बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए आपको कैसे रखना है। अब इन कप्स में हम ये थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाएंगे। हम पूरा नहीं भरेंगे, थोड़ा उसमें स्पेस छोड़ेंगे क्योंकि वो राइज होगा। ये हमने सारे कप्स में बैटर डाल दिया है, अब ऊपर से हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल देंगे। इतने मटेरियल से ये 12 कप केक्स बन रहे हैं हमारे। देखिए अभी से ही कितने अच्छे लग रहे हैं, तो बनने के बाद कितने अच्छे लगेंगे। अब इन्हें हमें बेक करना है। आप OTG या माइक्रोवेव किसी में भी बेक कर सकते हैं। अगर आप OTG में इन्हें बेक कर रहे हैं तो प्री हीटेड OTG में 180 डिग्री टेम्परेचर पे 15 से 20 मिनट्स के बीच में ये बेक हो जाते हैं। अगर आप माइक्रोवेव में कर रहे हैं तो उसे प्री हीट कर लीजिए और का टेम्परेचर हाईएस्ट -50 डिग्री लीजिए। अगर आपके माइक्रोवेव में हाईएस्ट टेम्परेचर 250 डिग्री है तो आप 200 डिग्री पर इन्हें बेक करिए कन्वेक्शन मोड पर। 12 से 15 मिनट में ये बेक हो जाएंगे आपके। आप इन्हें कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। उसके लिए आप कढ़ाई में थोड़ा नमक डालकर पहले गरम कर लीजिए हाई फ्लेम पर, फिर फ्लेम लो कर दीजिए, नीचे कोई स्टैंड रखिए, ऊपर प्लेट रखकर उस पर ये रखिए और ढक कर 20 से 25 मिनट तक उसे बेक होने दीजिए, तो आपके तैयार हो जाएंगे। अभी हम इन्हें OTG में बेक कर रहे हैं, उसे मैंने प्री हीट कर लिया है। अब इन्हें हम OTG में रख रहे हैं। ये प्री हीट कर लिया है OTG को। अब 180 डिग्री टेम्परेचर पे मैं करीब 15 मिनट्स के लिए इसे स्टार्ट कर रही हूँ। अब हम चेक कर लेते हैं। 15 मिनट्स होने के बाद एक बार मैंने चेक कर लिया था, तब नहीं हुए थे, फिर 5 मिनट्स मैंने टाइम और बढ़ा दिया था। अब हम एक बार इन्हें चेक कर लेते हैं टूथपिक लगाकर। देखिए इस पे स्टिक नहीं हो रहा है कुछ भी मटेरियल, मतलब हमारे मफिन्स रेडी हो गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे मफिन्स एकदम रेडी हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी थोड़े ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद इन्हें हम निकाल लेंगे। ये हमारे मफिन्स ठंडे हो गए हैं, अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। ये हमने सारे कपकेक्स निकाल लिए हैं, बहुत ही यमी केक्स बने हैं। बच्चों को तो ये बहुत पसंद आते हैं और बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं। अब मैं एक केक आपको कट कर दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये अंदर से कितना सॉफ्ट और स्पंजी बनाए। देखिए कितना स्पंजी केक बना है, एकदम सॉफ्ट और बहुत ही यमी केक बना है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइए, उससे आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।